एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्लास 12th, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है, इफ प्रॉपर्टीज के द्वारा सॉल्व होना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, ओके। तो एक प्रॉपर्टी अपनी होती है कि हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में किसी अनदर रो को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो में हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, देयर इज नो एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी तरह कॉलम में भी हम कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वो स्केलर जीरो नहीं होना चाहिए, और किसी अनदर कॉलम में हम उसे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओके। तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। देखो यहाँ पर ए माइनस बी दिया हुआ है, बी माइनस सी दिया हुआ है, सी माइनस ए दिया हुआ है। हमें ए माइनस बी कैसे मिलेगा? देखो हम यदि इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, आर वन माइनस आई टू, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा पहली रो से इस ऑपरेशन के बाद। तो हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, ओके। सो दिस इज जीरो, आर वन माइनस आई टू कर दें, आर वन माइनस आई टू करके उसे आर वन की जगह लिखेंगे जीरो। दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेम रहेगा। वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर सेम रहेगा। अब हमें बी माइनस सी चाहिए है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करें। देखो आर टू माइनस आर थ्री, तो बी माइनस सी आ जाएगा इधर, ओके। दिस इज जीरो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज जीरो बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो पहली रो से हम ए माइनस बी को कॉमन निकाल लेंगे, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम आर वन और बी माइनस सी फ्रॉम आर टू, बी माइनस सी फ्रॉम आर टू। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फैक्टराइजेशन का फार्मूला होता है। ए माइनस बी कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो देखो ए माइनस बी और बी माइनस सी, दिस इज जीरो वन ए प्लस बी, यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। दिस इज जीरो वन, यहाँ पर बी प्लस सी बचेगा। दिस इज वन सी सी स्क्वायर, कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ओके। अब हम इसे फर्स्ट कॉलम से क्या करें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें, या फिर आप चाहो तो आप इसको भी जीरो कर सकते हैं, ये जीरो हो रहा है। और हमें क्या चाहिए है, सी माइनस ए चाहिए, तो हमें सी माइनस ए यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो इस ऑपरेशन को अप्लाई किए लेते हैं, आर टू माइनस आर वन, ओके। आई टू माइनस आर वन की जगह हम क्या लिखेंगे, आई टू लिखेंगे। सो दिस इज ए माइनस बी बी माइनस सी, जीरो वन ए प्लस बी सेम रहेगा। दिस इज जीरो जीरो, अब हम बी प्लस सी से ए माइनस बी को घटा लें तो हम यहाँ पर रफ में घटा सकते हैं, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी से बी कट गया, सी माइनस ए आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए। दिस इज वन सी सी स्क्वायर। अब सेकेंड रो से हम सी माइनस ए को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन सी माइनस ए फ्रॉम आई टू, आई टू से हमने सी माइनस ए को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो दिस इज ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, दिस इज जीरो वन
ए प्लस बी, दिस इज जीरो जीरो वन, दिस इज वन सी सी स्क्वायर। ओके अंडरस्टूड। अब इसे हम फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ओके एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से हम उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ओके एक्सपांडिंग अलोंग सी वन, तो देखो ये वन, ये तो सब जीरो हो जाएंगे दोनों वन। अब पहली रो को, पहले कॉलम को बंद करेंगे और तीसरे रो को बंद करेंगे, तो वन जीरो और ए प्लस बी वन, तो दिस इज वन जीरो ए प्लस बी वन, ठीक ना। अच्छा ए लिखा नहीं गया है, इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए को हम लिखेंगे। फिर ये वन आएगा और इधर इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो वन जीरो ए प्लस बी वन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसका इससे इंटू करेंगे तो वन माइनस जीरो, तो ये प्रूव हो गया अपना ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके नाउ एट का सेकंड, वन 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 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी। ओके देखो यहाँ पर ए, इस ए को हम बी से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ए माइनस बी मिलेगा, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा। देखो हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, सी वन, सी वन माइनस सी टू। ओके इस ऑपरेशन को अप्लाई किया हमने, सी वन माइनस सी टू करके हम सी वन की जगह लिखेंगे। अब हमें बी माइनस सी भी चाहिए तो हम इस ऑपरेशन को भी अप्लाई करते हैं, देखो सी टू, सी टू माइनस सी थ्री, सी टू माइनस सी थ्री। ओके तो देखो क्या होगा, दिस इज जीरो, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब इस वाले ऑपरेशन को सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी थ्री हम पहले ही बता चुके हैं, किसी भी कॉलम को हम किसी भी कॉलम से सब्सट्रैक्ट करेंगे, देयर इज नो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी कॉलम को हम किसी स्केलर जीरो को छोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे किसी अनदर कॉलम से ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, देयर इज नो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, दिस इज बी माइनस सी, दिस इज बी क्यू माइनस सी क्यू, बाकी वन सी सी क्यूब। यहाँ पर हमने दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई किए, आप अलग अलग भी कर सकते थे, पहले इसको अप्लाई करते फिर इसको अप्लाई करते, सेम वैल्यू आती। ओके कोशिश करें हम एक साथ अप्लाई करें, शुरू में अलग अलग अप्लाई करें, जब आप सीख जाएं तो एक साथ अप्लाई करें, ठीक ना, समय बचता है। अब इसमें से देखो ये माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन आना चाहिए। देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम सी वन एंड दिस इज, इसको इससे घटाया गया, देखो हाँ, एंड बी माइनस सी, बी माइनस सी फ्रॉम सी टू, सी वन से ए माइनस बी को हम कॉमन लेंगे और सी टू से बी माइनस सी को कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी होगा। ओके इसको हम इससे माइनस कर लें,
तो देखो यहाँ पर जीरो बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन किया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज जीरो वन, यहाँ पर क्या कॉमन बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा। फिर वन सी सी क्यूब, वन सी सी क्यूब, ये हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हमें ए माइनस बी बी माइनस सी गेट। ओके, अब यहाँ पर देखो और कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम इसको जीरो कर सकते हैं जिस माइनस दिस करके। ओके, तो हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। ओके, देखो इसको जीरो करते हैं हम। ओके, सो सी टू सी टू माइनस सी वन, सी टू सी टू माइनस सी वन, दिस इज जीरो जीरो वन, ये सेम रहेगा। अब ये वन भी चेंज किस में हो रहा है, सी टू में चेंज हो रहा है, तो सी वन सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब वन में से वन माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो हम इसको रफ में कर लें, किस में करेंगे, रफ में करके देखते हैं फिर उसको लिखेंगे हम, ठीक ना। देखो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज, देखो क्या होगा अपना, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस, देखो हमने किसको किससे सब, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर बी सी माइनस ए बी होगा, फिर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये बनेगा सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक ना। ओके, तो हम इसको ऐसा लिखें, देखो ठीक है, हाँ देखो इसको हम ऐसा लिख लिया गया। अब इसको हम और सिंपलीफाई करें, क्या कर सकते हैं सिंपलीफाई, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बी इसमें से बी कॉमन निकाल लेंगे तो सी माइनस सी आएगा, तो इसको थोड़ा इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें, देखो क्योंकि हमें सी माइनस सी चाहिए है, तो हम इसको देखो पहले इसको इससे घटा लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ओके, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, बी सी माइनस ए बी बचेगा। ओके, क्या बचेगा, बी सी माइनस ए बी बचेगा। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, सी माइनस ए सी प्लस ए लिखेंगे, इसको हम रफ में ही करेंगे, सी प्लस ए प्लस इसमें से बी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, सी माइनस ए आएगा। तो देखो सी माइनस ए इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी माइनस ए कॉमन निकलेगा तो सी प्लस ए प्लस बी बचेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये तो सेम रहेगा क्योंकि चेंज किस में हुआ है, सी टू में चेंज हुआ है, तो सी टू में चेंज होगा, बाकी सी थ्री भी सेम रहेगा, तो वन सी सी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वन सी सी क्यूब, इस तरह से बन गया। ए इनटू में रहेंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी, कैसे रहेंगे, इनटू में रहेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। ओके, ये आ गया अपना। अब देखो सेकंड यहाँ पर आ गया ना समझ में, हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया था, सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, इस वाले डिटर्मिनेंट में अप्लाई किया था, सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, ये सी वन सेम रहेगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, वन माइनस वन वन हो गया, ये माइनस यहाँ पर किया हमने रफ में, ठीक ना, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में हम साइड में रफ में करेंगे और उसे दिखाएंगे इस तरह से। तो ये अपना क्या आया, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए, सी माइनस ए को कॉमन लिया तो ये आ गया। अब देखो इससे सी माइनस ए
सेकंड कॉलम से सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी कॉमन निकाल रहा है, टेकिंग कॉमन सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम इसे, फ्रॉम किससे, सी टू से कॉमन लिया गया। ओके तो कितना हो जाएगा, देखो दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इनटू में डिटरमिनेंट आ जाएगा अपना, क्या बचेगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ पर 1 c c क्यूब। ओके ध्यान रखना ये सब इसके क्या है, इनटू में इधर आएगा ये। ओके अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको पहले रख करते हैं। ओके तो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। ओके प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे तो बड़े ही सिंपल तरीके से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ओके अब देखिएगा, दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट क्या है आपका, डिटर्मिनेंट है 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 0 1 1 c c क्यूब। अब देखो हम इसे किससे एक्सपांड करें, पहली रो से एक्सपेंड कर दें। ओके एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो आर वन, तो दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी रख कर मतलब नहीं, ठीक है। अब इसे हम एक्सपांड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, तो 1 आएगा, दिस इज इसको बंद करेंगे हम, इसको बंद करेंगे, दिस इज 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 1। ओके सो दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 - 0। सो दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड, ये अपना क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके अंडरस्टूड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड बाय वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हमें ये प्रूव करना है। नेचुरली हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ओके अब देखो एक्स माइनस वाई है यहाँ पर, तो हम क्या करें आर वन इक्वल टू आर वन माइनस आर टू करें, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई आ जाएगा और वाई माइनस जेड भी है तो आर टू माइनस आर थ्री। ओके इस तरह से इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों ऑपरेशन को। ओके करते हैं देखो, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज एक्स माइनस वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज बाय जेड माइनस जेड एक्स हो गया। ओके नाउ आर टू माइनस आर थ्री, ओके इस ऑपरेशन को अप्लाई करें तो दिस इज वाई माइनस जेड, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ओके आर थ्री कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दिस इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर हमें x माइनस वाई की ज़रूरत थी, तो अब यहाँ से x माइनस वाई हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ y माइनस जेड की ज़रूरत थी, यहाँ से हम y माइनस जेड को कॉमन निकाल लेंगे। ओके ड्यू टू दिस रीजन वी यूज दीज टू ऑपरेशन। ओके इन दो ऑपरेशन को क्या किया हमने, यूज किया। अंडरस्टूड। अब देखें, देखो यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व कर लें थोड़ा, इसमें से हम देखो जेड कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा
बाय माइनस एक्स आएगा, तो हमें माइनस जेड कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये माइनस जेड कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई को कॉमन चाहिए है। इन सिमिलर वे इसमें से हम माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, किसको निकाल लेंगे, देखो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इसमें से हम माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई माइनस जेड हो जाएगा। ओके, तो हम लिखें टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई फ्रॉम आर वन एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू। एक्स माइनस वाई को आर वन से कॉमन लिया और वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू। ओके, तो देखो दिस इज एक्स माइनस वाई, दिस इज वाई माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर वन बचेगा, इसका हमें पता है फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। यहाँ पर हमने लिख लिया है तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस जेड बचेगा। ओके, ए वन, दिस इज वाई प्लस जेड, और इसमें से जब हम वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। तीसरा रोज सेम लिखा जाएगा। ओके, एक्स वाई आ गया, अंडरस्टूड। अब देखें हमें जेड माइनस एक्स भी चाहिए है यहाँ पर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको जीरो करते हैं जिससे हमें यहाँ पर जेड माइनस एक्स मिलेगा। तो हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, ये वाला ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे जीरो भी हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या कॉमन निकल आएगा, जेड माइनस एक्स कॉमन निकलेगा। ओके, सो दिस इज एक्स माइनस वाई बाय माइनस जेड, तो सेम लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, आर टू में ऑपरेशन हो रहा तो आर वन सेम रहेगा, माइनस ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, इसको हम रफ में माइनस कर लेंगे, ठीक ना। दिस इज वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम जेड माइनस एक्स लिख लें, इसको भी हम रफ में देखो माइनस एक्स माइनस माइनस जेड, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस जेड या जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी ये क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स बचेगा। ओके, ये रफ में यहाँ पर किया है। अब जेड जेड स्क्वायर एक्स, अब जेड माइनस एक्स भी आई टू से कॉमन निकल जाएगा। टेकिंग कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम आई टू, सो दिस इज एक्स माइनस वाई बाय माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यहां पर कितना बचा है, वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, दिस इज जीरो वन वन, दिस इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब हम इसको भी हम जीरो कर लेंगे। ओके, और फिर उसे हम एक्सपांड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसे रफ करते हैं, ठीक है। ओके, एक्स माइनस वाई बाय माइनस जेड जेड माइनस एक्स, वन जीरो जेड, एक्स प्लस वाई वन जेड स्क्वायर, माइनस जेड वन एक्स वाई, माइनस जेड वन एक्स वाई। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये हो गया अपना,
अब हमें इसको इसको हम जीरो कर लें, क्या कर लें इसको जीरो करें, फिर एक्सपांड करेंगे हम। ओके, तो C2 माइनस C3, इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं। दिस इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, 1 0 z, दिस इज x प्लस y प्लस z, दिस इज 0, दिस इज z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दिस इज माइनस z, 1 xy। ओके, अब हम इसे सेकंड रो से एक्सपांड कर दें। एक्सपांडिंग अलोंग I2 से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। दिस इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो इधर क्या आएगा, ये अपना माइनस बनाएगा। इसको बंद किया हमने, इसको बंद किया, तो हमें क्या, देखो इसको बंद करेंगे हम और इसको बंद करेंगे, तो ये 1 x + y + z दिखाई दे रहा है हमें इधर। ओके, इसको बंद, यहाँ पर क्या दिख रहा है, z z² - xy दिख रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दिस इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ओके, अब देखो माइनस 1, दिस इज z² - xy, माइनस z x प्लस y प्लस z, ठीक है। दिस इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ओके, अब देखो माइनस, दिस इज z² - xy, दिस इज माइनस zx, माइनस zy, माइनस z² ओके, सो दिस इज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, z² कैंसिल हो गया, माइनस का इंटू होगा, तो दिस इज एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, सो x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या आ गया अपना राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूफ। ओके, अंडरस्टूड। नाउ टेंथ का फर्स्ट, x प्लस 4 2x x + 4 2x x + 4 इक्वल टू 5x + 4 4 - x² हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर 5x + 4 कॉमन में है, यहाँ पर 4 - x दो बार कॉमन आया है। देखो यदि हम इन सब को ऐड कर दें तो हमें 5x + 4 मिल रहा है, इसको 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 भी ऐड करें तब भी देखो 2x x 3x और 4x 5x, तो 5x + 4 2x 2x 4x + x + 4, तो इन सबको ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 5x + 4 मिल रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखो C1 = C1 + C2 + C3, C1 C2 और C3 सबको ऐड करके हम किसकी जगह लिखेंगे, C1 की जगह लिखेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5x + 4 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 5x + 4 आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5x + 4 आएगा, बाकी C2 और C3 सेम लिखे जाएंगे। दिस इज 2x x + 4
2x, this is 2x, 2x, x plus 4, okay. Taking common, 5x plus 4 from C1. So this is 5x plus 4. This is 1, 1, 1. This is 2x, x plus 4, 2x. This is 2x, 2x, x plus 4. ओके अंडरस्टूड, ये हो गया अपना। अब देखें हम इसको जीरो करें तो कौन से ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे। देखो C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, इस वाले ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर 4 माइनस x आएगा और यहाँ पर ठीक ना कॉमन निकलेगा, उसको हम अप्लाई करते हैं। देखो 5x प्लस 4, हम यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम अधिकतर जीरो करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको इससे घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, दिस इज 1, 1, 1, ये जीरो हो गया। अब इसको हम रफ में x प्लस 4 माइनस 2x, ये x प्लस 4 है ये माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस x, क्या बचेगा यहाँ पर 4 माइनस x। अब नेचुरल बात है 2x माइनस x माइनस 4 करेंगे तो हमें क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा यहाँ पर 2x x प्लस 4। अब देखो इसमें से 4 माइनस x कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो टेकिंग कॉमन 4 माइनस x इन C2 या फ्रॉम C2, ठीक ना। सो दिस इज 5x प्लस 4, 4 माइनस x, दिस इज 1, 1, 1, 0, 1, माइनस 1, 2x, 2x, x प्लस 4, ओके ये 0 कर लिया हमने, इसको कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन निकाला तो माइनस है, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो हम इसको भी जीरो कर लें और फिर एक्सपांड कर दें, क्या अप्लाई करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, दिस इज R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 करेंगे हम, दिस इज 5x, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा इधर, ये भी जीरो हो जाएगा, 5x प्लस 4, 4 माइनस x, जी ये बन रहेगा 1, 0, 2x, ये सेम रहेगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1, एक्स प्लस 4 हो गया, ओके अंडरस्टूड। अब हम इसे सेकंड कॉलम से क्या कर सकते, R2 से एक्सपांड करेंगे, किससे एक्सपांड करेंगे, R2 से उसको हम एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांडिंग अलोंग R2, एक्सपांडिंग अलोंग R2, R2 से हम क्यों एक्सपांड करेंगे, क्योंकि R2 में 2 जीरो हैं, ओके। सो दिस इज 5x प्लस 4, 4 माइनस x, अब ये तो जीरो रहेगा, इससे कोई मतलब 1 बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बचेगा हम इसको बंद कर लें, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करें, इधर 1, 1 बचेगा, इधर 2x अपॉन 2x x प्लस 4 बचेगा, तो 1, 1, 2x x प्लस 4, ओके। सो दिस इज 5x प्लस 4, 4 माइनस x, दिस इज x प्लस 4 माइनस 2x, 5x प्लस 4, 4 माइनस x, दिस इज 4 माइनस x, सो दिस इज 5x प्लस 4, 4 माइनस x का होल स्क्वायर, क्या आ गया अपना राइट हैंड साइड आ गया, ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने उसे क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। नाउ 10th का सेकंड, बाय प्लस के बाय 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 प्लस के बाय
बाय बाय बाय प्लस के इक्वल टू के स्क्वायर थ्री बाय प्लस के। ओके देखो तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें थ्री बाय प्लस के मिल रहा है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तब भी हमें थ्री बाय प्लस के मिल रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें थ्री बाय प्लस के मिल रहा है। तो हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा थ्री बाय प्लस के आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा थ्री बाय प्लस के आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा थ्री बाय प्लस के आएगा। दिस इज बाय बाय प्लस के बाय, दिस इज बाय 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 प्लस के। ओके अब टेकिंग थ्री बाय प्लस के कॉमन, सो दिस इज थ्री बाय प्लस के वन, दिस इज बाय बाय प्लस के बाय, दिस इज बाय 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 प्लस के। ओके ये आ गया। अब हम इसको जीरो करें, इसको जीरो करें और फिर एक्सपांड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम R2 माइनस R1। ओके फिर R3 माइनस R1, दिस इज थ्री बाय प्लस के। R2 और R3 में चेंज हो रहा है तो R1 सेम रहेगा, 1 बाय इसको सेम लिख लिया। फिर R2 माइनस R1 करेंगे तो 0 के बचेगा, यहाँ पर 0 आएगा। फिर R3 माइनस R1 0 के। ओके नाउ एक्सपांडिंग अलोंग C1, एक्सपांडिंग अलोंग C1 थ्री बाय प्लस के 1, इसको बंद किया, इसको बंद किया, के 0 के, तो दिस इज 3y+k इंटू के स्क्वायर, सो के स्क्वायर इंटू 3y+k। ओके सो ये राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ओके